ये व्लॉग में दोनों नुकरे मैंने एक साथ इसलिए खुलवा लिए, मैंने कहा एक जैसे। और ये क्या मत क्या क्या मिल किस में खड़े हो? मैं पीछे खड़ा हूँ। बहुत अच्छी चीज है, ले जाइएगा इसको, भगाते हुए लेके जाएगा भाई, इनके पास से लेके जाएगा भगाते हुए। अच्छे बनाऊ के अंदर है और फुल, अभी से समझ लो फुल तैयार है। और चीज दिखाओ, ये देखो ऐसे देखो। वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई एक नए शौक के साथ दोबारा हाजिर हैं अलहनान कैटल फार्म पर। अलहनान कैटल फार्म से हमारे साथ मौजूद हैं उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल उमर? खैरियत से भाई? माशाल्लाह जोड़ी लिया है आप नुकरों की, ढूंढ रहे हैं लोग ऐसे नुकरे और सलामी का तो जवाब ही नहीं है पहले वाले की। और दांतों में क्या क्या है उमर भाई? दांतों में दोनों छह हैं। मारते मुड़ते तो नहीं है, तो शरीफ लग रहे हैं यार बच्चे से भी, करीब चला जाता हूँ। माशाल्लाह भाई हाइट का अंदाजा करें और चीज देखें माशाल्लाह से। पंच है, आंडू है, ये आंडू है, ये आंडू है, ये बछड़ा पंच है भाई। और ये देखें सलामी सीना। निशान भाई दोनों को पकड़ लो एक साथ ना, मोरे से बीच में आ गए, बीच में आ जाओ, हाँ ऐसा आ जाओ ऐसे। ये भाई हाइट का अंदाजा करें नुकरों की। इधर पीछे जाना, इधर इधर आ जा, ये देखो पकड़ लो दोनों। बाकी चारों तरफ से दिखाओ, धूप का मसला नहीं, आगे ऐसे लेके जाओ फुल फ्रेम में दिखाओ, घुमा कर आगे। माशाल्लाह भाई बछड़ों को चेक कर लें तो तफरिया मजाक मस्ती चलती रहती है। हमारे व्लॉग में दोनों नुकरे मैंने एक साथ इसलिए खुलवा लिए, मैंने कहा एक जैसी चीज है माशाल्लाह से दोनों ना, तो आपको दिखा दिया जाए। अच्छा इतने बड़े वजूद के ऊपर नुकरों की सलामियां देखें दोनों की, माशाल्लाह से बिल्कुल ठहरी हुई हैं, कहीं पर नहीं गई, बहुत बड़ी बड़ी सलामियां। और इसकी बैग चेक करें, इंशाल्लाह भराई के ऊपर जब आएगा बछड़ा तो अपना जलवा अलग ही दिखाएगा। इसके साथ ये दूसरा बछड़ा बता रहे हैं, दोनों छः छः दांतों में अवेलेबल है और इंशाल्लाह इनकी बस भराइयां ही होनी है। दांतों वातों की तो बात ही नहीं होती जब इतने वजूद पर और इतने उस पर आ जाता है बछड़ा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहाँ पर दिशान भाई एक थंबनेल की पिक्चर आ जाए ना इनकी कमर के साथ तो क्या ही बात हो जाएगी। ओ इधर देखो, आहा ऐसे कमर चेक करें कहाँ जा रही है माशाल्लाह से दोनों बछड़ों की। थोड़ा चला के दिखाइएगा, इस तरफ चलाइएगा थोड़ा ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। घुमाएं यहाँ से, करो घुमा लो, घुमाएं ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़े वजूद की जो है वो बछड़े हैं दोनों माशाल्लाह से। इसके अलावा एक ये बछड़ा भी, इसको भी घुमा लो भाई। और ये नहीं कि बड़ा ही माल इनके पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल हो, इसके अलावा और भी कैटेगरी है भाई, दिल्ली आंखों का माशाल्लाह। यार ये कान कान चेक करो निशान भाई, इसके कान दोनों में से माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अम्मा इसकी गिर थी, अब्बा बरामन थे तो ये नुकरा पैदा हुआ है, ये देख। नहीं माशाल्लाह भाई कान जो ब्राह्मण वाले हैं, गर्दन वगैरह अच्छी बनाई हुई है बछड़े ने, अलामी अलामी बिल्कुल ठहरी हुई है। बछड़ा पंच होगा और पलाई होगी बछड़े की, रूप ही अलग हो जाएगा माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अभी तो टाइम है, आप लोगों ने पालना है, जो शौकीन है जो इनकी कदर करना जानते हैं भाई वही रब्ता करेंगे उमर भाई से, वो आके विजिट भी करेंगे और खरीदेंगे भी और पलवाएंगे भी। उमर भाई भी अवेलेबल है, पलाई भी अवेलेबल भाई, पाल भी रहे हैं आप इनसे भी। पहली वीडियो कैसा रिस्पांस रहा उमर भाई? जो हमने भी अच्छा रिस्पांस था, माल बिका भी, हमारे पास पल भी रहा है अभी। अच्छा माशाल्लाह, वो नुकरा बिक गया, वो जो बहुत पसंद आया था मुझे। चले मुबारक यार, कम डालते हैं वीडियो, जब डालते हैं तो माल बिकता है, ऐसे ही अल्लाह का भाई माशाल्लाह। ये देखें चीजें आप लोगों के सामने, और पर्सनली ये वाला अगर बात करूँ तो मेरे दिल को ज़्यादा भाया ये वाला नुकरा, क्योंकि इस पर इतनी मेहनत नहीं है, पंज भी है सब चीज़ें, सिर्फ इसको और मोटा ही मोटा करना है। और ये देखें माशाल्लाह, वो बछड़े पे थोड़ा काम है भाई, उसको ज़रा पंच करना पड़ेगा और उसको वो ज़रा झालर वाला अपनी सीना वीना हर चीज़ और ज़्यादा लटकाया है। अभी बाप भी बना रहे हैं ना, तो वो इसलिए थोड़ा सा आगे से बना रहा है, अपने आपको पीछे से भी डाला हुआ है, फिर वो सेट हो जाएगा। अच्छा ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया इसको? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। नहीं आप वो पंच कराएंगे तो वो तो सारी चीज़ें सही बात है, सही बात है। थोड़ा इधर इधर करिएगा, ठीक है भाई, इन दोनों का आप ले जाइएगा अपना। और भाई ये जोड़ी थी पहली नुकरों की जो कि आपको दिखाई है अलहनान कैटल फार्म के ऊपर, यहाँ पर इनसे रब्ता कर लीजिएगा। उमर भाई का नंबर जो है मेंशन है स्क्रीन के ऊपर, रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मुनासिब पैसे में आपको दे दिए जाएंगे। जोड़ी का सौदा करना चाहे जोड़ी कर लें, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं माशाल्लाह से, ठीक है ले जाइएगा इनको। चलें भाई माशाल्लाह से एक और ब्यूटी जो है वो धूप में चमकती हुई आ रही है, और इसकी डिटेल लेंगे माशाल्लाह से। भाई बछड़ा बहुत प्यारा है, नाल झालर नाल बहुत बढ़िया है यार, लाम बहुत बढ़िया है, लेंथ माशाल्लाह। क्या डिटेल है उमर भाई इसकी? सर ये दांतों में अभी तीसरा इसने तोड़ा है, समझे चार दांत में लग रहा है, बाकी पलाई आपके सामने बछड़े की माशाल्लाह माशाल्लाह।
ये देखें भाई माशाल्लाह से बछड़े को देखें आप, चारों तरफ से देख लें बछड़े को और दांतों में बता रहे हैं अभी जो है वो तीसरा तोड़ा इसने बछड़े ने और जवान ही बछड़ा इंशाल्लाह जा मेरे ख्याल से तो इतना ही रहेगा दांतों में, इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अभी तोड़ा है। बाकी माशाल्लाह से चीज़ बहुत बेहतरीन है, सीना वगैरह चेक कर लें, झालर चेक कर लें, ये भी पंच हुआ हुआ बछड़ा और ये तमाम तर जो है प्रोसेस जो होता है इनका उससे निकला हुआ, सिर्फ और सिर्फ पलाई करनी है, लेके जाएँ पलाई कर लें या यहाँ पर पलवाना चाहते हैं यहाँ पर भी पलाई सर्विस अवेलेबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह गर्दन चेक करें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह तूफ़ान बछड़ा है, तूफ़ान चलो इसका नाम ही तूफ़ान है भाई, तूफ़ान के लिए भी रब्ता कर लीजिएगा उमर भाई से इंशाल्लाह मुनासिब पैसों में दे देंगे आपको। हाइट कितना मुनासिब हो जाएंगे उमर भाई? सर मुनासिब है आपके लिए तो मुनासिब ही है, जितने का वो नौकरा दिया था उतने का आपको ये भी दे देंगे। और बोले अरे भाग गया भाग गया भाग गया, ये हमारे फार्म पे तुम्हारे साथ होता है। कौन सा नौकरा? नौकरा वो जो दो दांत वाला था, बेच दिया था वो। प्राइस रेंज क्या है उमर भाई, प्राइस रेंज क्या है हमारे पास जो अभी माल दिखा रहे हैं हम? हमारे पास अभी तो बड़ा माल था तो वो ऊपर की थोड़ी सी प्राइस रेंज है, वैसे शुरू तो समझे 2.5-3 लाख से है और फिर जा तो 25-30 लाख तक भी रही है। सही सही, चले भाई मांगने के तो पैसे होते हैं अपने फार्मर के, होप करता है यार ये इतने का बिक जाना चाहिए, जब सौदे पे आप आके बैठेंगे तो फिर हुज्जत होती है, फिर आप पैसे लगाते हैं, फार्मर का भी जहन बनता है चलो यार यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे चले ये ले जाएं, तो ऐसा ही है। ऑन कॉल पैसे बताना अलग होते हैं और आके बैठ के जानवर को लाइव देख के बैठना और उस पर डील करना वो एक अलग सिस्टम होता है और है। वो अलग हिसाब में पैसों में आता है फिर जानवर, और जाहिर बात है फार्मर को भी पता है रिस्पांस करने वाला है, जब चल के मेरे फॉर्म पे आया तो जाहिर बात है लेने इंटरेस्टेड होगा, चीज़ खरीदने वाला होगा तो फिर उसको पैसे भी वही बताए जाते हैं, ऐसे मामला है। बाकी भाई बछड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सुपर बछड़ा है, पंच भी है, हैवी वेट बछड़ा है, बड़ा बछड़ा है, जो बड़े बछड़ों का शौक करना चाहते हैं और एक अच्छी चीज़ तैयार करना चाहते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बछड़ा है लंदन कैटल फॉर्म का। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी वीडियो में जो अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा वजूद का, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि फिज़िकली अपीयरेंस के बाद क्या चीज़ दिखती है आपको क्या नहीं दिखती, बहुत जो है बड़े वजूद का बछड़ा है माशाल्लाह से। चलें भाई माशाल्लाह से अब हमने बोला यार बड़ी रेंज के तो आपको बछड़े दिखा दिए, अब जो मिड रेंज की जो कुर्बानी करते हैं उनको भी यार मोरा पहना के लाते हैं, बाकी फार्म के ऊपर तो तुमने उतार के ले यार 2.5 लाख रुपए से शुरू है स्टार्टिंग रेंज है ना? नहीं यार उमर भाई बताएंगे, उमर भाई कहाँ से स्टार्ट है? थोड़ा सा ऊपर है समझ जाए भाई, थोड़ा सा ऊपर है, देखें ऐसे हम लाते हैं अपने पैसों पे माल को। बाकी कलर बिल्कुल नाम अच्छी है, जेट ब्लैक बछड़ा है और याद होगा आप लोगों ने एक दरवेश पाला था मैंने अपनी कुर्बानी का, भाई उसी नस्ल में से उसी ब्रीड में से बछड़ा है ये, और जब आप इसको गिज़ा डालेंगे दूध पिलाएंगे मक्खन खिलाएंगे घी खिलाएंगे भरपूर वंडा देंगे तो ये भी चीज़ बहुत सुपर बन जानी है। अब ढाई ये याद रखिएगा 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर है तो रब्ता कर लीजिएगा उमर भाई से। ऐसे ही उमर भाई दांतों में भाई अभी बछड़ा 2 है और पलने वाली चीज़ है, जब पल के आएगा जलवे दिखाएगा। ये आया भी हमारे पास अभी 2 दिन पहले ही है, 2 दिन पहले आया और पैर वैर पैर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, इसके ना पैर बहुत अच्छे हैं तो दिखाएगा और माशाल्लाह अच्छा बनेगा, अच्छी चीज है, ले जाओ भाई। चले भाई माशाल्लाह से एक और बच्चा आ चुका है। अच्छा उमर भाई बता रहे हैं अभी ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, ये भाई अगले साल पे जाएगा इंशाल्लाह, ये जो है वो खीरा बच्चा है अभी और तकरीबन अभी जो है वो इसकी एज क्या होगी अप्रोक्सीमेटली कोई आइडिया आपको? यार ये 13-14 महीने का ही होगा, उससे ज़्यादा का तो नहीं है। 13-14 महीने का है, बछड़े के हाथ पैर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, थोड़ा बहुत मस्तियाँ कर रहा है। और ये आपकी होम ब्रीड है उमर भाई? नहीं ये होम ब्रीड नहीं है, लेकिन मैंने कहीं से लिया है, गाय के साथ ही लिया है, इसकी माँ भी हमारे पास ही है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अच्छा बछड़ा, कजली टाइप की आँखें जो होती है ना डायमंड आइज उस आँखों में बच्चा, और कोई कोड़ सिक्का नहीं दिख रहा बाहर मुझे इस पे स्किन के ऊपर, बिल्कुल साफ सुथरा बछड़ा है। और ये क्या मत क्या क्या मिल किस में खड़े हो? मैं पीछे खड़ा हूँ, ये पीछे आ रहा है ऐसे, मैंने कहा इसको यहाँ रोक के ना फजीलत। नो डाउट यार बहुत अच्छी चीज़ है, ले जाइएगा इसको भगाते हुए लेके जाएगा भाई, इनके पास से लेके जाएगा भगाते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो भाई उमर भाई से रब्ता कर लीजिएगा अलहनान कैटल फार्म के ऊपर, इंशाल्लाह आपका सौदा बन जाएगा। चलें भाई अलहनान कैटल फार्म के ऊपर एक जोड़ी आ चुकी है, मुनासिब रेंज के अंदर जो है जोड़ी अवेलेबल है ये, और जो लोग मिड रेंज की जो है कुर्बानी करते हैं, बड़ा प्यारा सा नाम रखा है उमर भाई ने। उमर भाई क्या नाम रखा है जोड़ी का? ढोलू बोलू, ढोलू बोलू भाई इनकी जोड़ी का नाम है माशाल्लाह से। ये साहिवाल टाइप का लग रहा है मुझे, ये 2 दांत में बता रहे हैं आप? ये 2 दांत बता रहे हैं भाई, ये जाओ खीरा बता रहे हैं, तकरीबन कैसा होगा दिशांत भाई वजन में अंदाजा बताते हैं? ये दोनों जो है 3.5-3.75 मन के हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है उमर भाई। तो भाई इनके लिए रब्ता करिएगा, इंशाल्लाह मुनासिब रेट में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छा पलेंगे। बछड़े थोड़े चला के दिखाइएगा भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो पंच हो के बहुत अच्छा करल निकालेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इस जोड़ी के लिए भी रब्ता कर लिएगा, अलहनान कैटल फार्म के ऊपर ही जोड़ी जो है वो मुनासिब पैसों में जो है वो अवेलेबल है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। बज़ाहिर अभी आपको देख के जो है वो ऐसे लग रहे होंगे सींग वगैरह ये वो, लेकिन जब ये डिहॉर्निंग होगी बहुत छोटा चेहरा जो है इसका निकल के सामने आएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही होता है भाई, चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ती है फिर जाके चीज़ें बनती हैं। ऐसे तैयार माल जो है वो हर कोई खरीद सकता है, तैयार माल तो फिर भाई वो महंगा मिलता है, वो उसके पैसे भरने पड़ते हैं। तो यही चीजें हैं, अब इनके खुर वो सींगे वींगे बनेंगी और पलाई पे आएंगे तो माशाल्लाह ये भी उन्हीं पैसों में हो जाएंगे। अब एक चीज दिखा रहा हूँ, बड़ी दिल को लगी है जिशान भाई, वो बछड़ी है जो कि आने वाली है यहाँ पर। उमर भाई को मैंने बोला दे दो, गिफ्ट कर दो हमें यार उमर भाई, तो अभी मंगवाते हैं इंशाल्लाह, वो दिखाते हैं आपको क्या ब्यूटी है भाई। माशाल्लाह से बटरफ्लाई जो है वो आ चुकी है, अलहनान कैटल फार्म की बटरफ्लाई अभी दांतों में बता रहे हैं, फ्रेश इसने जो है वो दांत निकाला है और इंशाल्लाह ये जो है कुर्बानी तक जो है मैक्सिमम अगर जाएगी तो चार दांत पे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बछड़ी की बनावट वगैरह आप देख लें, थोड़ा चढ़ा के दिखाइएगा भाई, घुमाए इसको यहाँ से घुमाए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चंचल बछड़ी निशान भाई, बछड़ी बहुत शरीफ है, आप प्यार वगैरह कर सकते हैं इसको आगे जाके। माशाल्लाह बछड़ी बहुत प्यारी है भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाऊँ के अंदर है और अभी से समझ लो फुल तैयार है, और अभी तो 8 महीने पड़े हुए हैं माशाल्लाह से, कितना इसने ऊपर जाना है और कितनी करना है ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है भाई, नो डाउट। कमर चेक कर लें भाई, उमर भाई बता रहे हैं कैमरामैन तुम अपनी हिलाते नहीं हो, ये देखो ये चीज़ दिखाओ, ये देखो ऐसे देखो कमर दिखाओ, फुल फ्रेम में दिखाओ बछड़ी माशाल्लाह, इधर लाओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नो डाउट भाई बहुत अच्छी जो है प्रिंट की बछड़ी है। इसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं उमर भाई का। उमर भाई जो अब तक हमने माल दिखाया, आपने क्या रेंज बताई थी स्टार्टिंग और मिनिमम? 25 से लेके 25-30 वाला माल दिया। सही, हमने दिखाया वीडियो में 25-30 वाला, मैं 25-30 वाला तो नहीं दिखाया, उससे सही दिखाया। जो दिखाया मैं उसकी उसमें पूछ रहा हूँ, रेंज आप समझे 20 तक की है। सही है भाई, तो भाई 2.5 लाख से 20 लाख तक की रेंज के जो है माल आपको दिखा दिया अलहनान कैटल फार्म के ऊपर, जिसकी जो सकत हो जो रेंज हो उसमें जो है वो आप अपना जानवर सेलेक्ट करें, स्क्रीनशॉट भेजें इनको और जगह के ऊपर आके सौदा करेंगे तो इंशाल्लाह मुनासिब पैसे मिल जाएगा। जाते जाते निशान भाई एक बछड़ी बची है ना, एक बछड़ी बची है। अच्छा एक बछड़ी बची है भाई, एक और मंगवाते हैं भाई बछड़ी। अच्छा भाई माशाल्लाह से आखिरी बछड़ी जो है आ चुकी है और बछड़ी नो डाउट अच्छी है, नस्ल में अभी बता रहे हैं कि बिल्कुल खीरी है। एज कोई आइडिया होगा आपको उमर भाई इसका? एज का इसका आइडिया नहीं है, बस मैंने ऐसे ही ली थी। सही। अच्छा ये मुझे जो है वो उसमें ब्रीड में लग रही है कुछ ना, जैसे वो ब्राह्मण्स लगे टच में जो है लग रही है बछड़ी की, धूम देखें पैर देखें पीछे से तो है कोई इसमें मेल वगैरह कुछ? हल्का सा लग रहा है, हमें भी यही लगता है, हमने तो खरीदी है बाहर से। अच्छा अच्छा, कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कोई, ऐसे हम डाउट दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बछड़ी अच्छे हट पैर की अच्छे नस्ल की है, नहीं अच्छी तैयार होगी, अच्छी तैयार होगी बछड़ी और उम्मीद है इस साल कुर्बानी पे लग जाएगी। हो सकता है लग जाए, दांत खुल खुलना बेटा इसके दांत अभी दिखा रही है, वो दांत दिखा देगी शरीफ है चलो चलो कोई मसला नहीं है। तो भाई इसके लिए भी जो है बड़ा जो है वो ऐसा लग रहा है रिवर्स चला रहा हूँ वीडियो को ना, माशाल्लाह भाई बड़ी अच्छी जो है बछड़ी है, खूबसूरत बछड़ी है, सावी बछड़ी जिनका ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो इसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं उमर भाई से, इंशाल्लाह मुनासिब पैसों में आपको मिल जाएगी और अच्छी बछड़ी अच्छी तैयार होकर आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस भाई ले जाओ भाई इसको, चलो जाओ भाग जाओ। चले भाई आप लोगों ने सारे जानवर तो देख लिए, उमर भाई ख्याल कर लिएगा, पैसे बता दें मैं ख्याल, और हमारे जो भी कॉल्स आए उनको बड़े प्यार मोहब्बत से रिस्पांस करिएगा, सही है ना? और ऐसा तो नहीं है भाई इतने तो नहीं है, वाली गानी तो नहीं होगी ना। लोकेशन बता दें अपने फॉर्म की ताकि आसानी हो। लोकेशन मलिकगंज चेक पोस्ट 3, अगर किसी ने देखा है मेमन गोड की तरफ रास्ता जा रहा है उसी पे पटरी जैसी क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे हमारा फॉर्म पड़ता है। तो भाई लोकेशन है, बाकी इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके लोकेशन आपकी आप करंट लोकेशन भी ले सकते हैं, वीडियो में नंबर मेंशन भी है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।